नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। उमरियापान, सावन महीने की शुरुआत होते ही उमरियापान क्षेत्र में बारिश हुई। मंगलवार को सुबह से रुक रुक बारिश हुई, लेकिन तेज रही, जिससे नदी नाले उफान पर रहे। वहीं कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उमरियापान से धीमरखेड़ा मार्ग पर पड़ने वाले गर्राघाट पुल के ऊपर बेलकुंड नदी का पानी आ गया। करीब 5 फीट सड़क से ऊपर पानी रहा। पुल के ऊपर पानी आने से आवागमन बाधित रहा। पुल के दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही। हालांकि 2-4 पहिया वाहन चालकों ने अन्यत्र रास्ते से सफर किया। आवागमन बाधित होने की जानकारी लगते ही उमरियापान थाना प्रभारी सिद्धार्थ राय पुलिस बल के साथ गर्राघाट पहुंचे। किसी प्रकार की घटना न हो, इसके लिए पुल और नदी के समीप खड़े लोगों को दूर किया। उन्होंने कहा कि पुल के ऊपर पानी होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति पुल पार न करें। पुल के नीचे पानी का जलस्तर होने पर ही आवागमन करने की समझाइश दी। घुघरी घुघरा में भी पुल के ऊपर बेलकुंड नदी का पानी होने से दोनों तरफ आने जाने का रास्ता बंद रहा। सिलौली चौकी प्रभारी सीताराम बागरी ने बताया कि क्षेत्र में की दतला नदी पूरी तरह से उफान पर है। सिलौली का आवागमन चारों तरफ से प्रभावित है। सिलौली से धीमरखेड़ा, सिलौली से कुंदम, सिलौली से सिहोरा और सिलौली से मझगवां जाने वाले मार्ग बंद है। पुल के ऊपर पानी होने के कारण आवागमन शुरू नहीं हो सका। गांवों में भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। सोमवार से लगातार हो रही बारिश के चलते धीमरखेड़ा तहसील के आधा दर्जन गांवों में पानी भर गया है। लोगों के घरों के भीतर भी पानी घुस गया है। सगौना गांव के वार्ड नंबर 5 में जलभराव की स्थिति बन गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों के घरों में पानी भर गया। सरपंच सरस्वती यादव, चंद्रभान यादव ने बताया कि सगौना के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले लव सिंह धुर्वे, चमरूलाल महोबिया, संतराम विश्वकर्मा, दुली सिंह मरावी, मुकेश केवट, छकुरी सिंह, रन्नू सिंह, बलधारी सिंह, दरबारी सिंह, हुकुम सिंह मरावी, नरेंद्र महोबिया सहित अन्य लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। घरों के भीतर पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। घरों में रखी खाद्यान्न सामग्री, कपड़े और अन्य गृहस्थी का सामान खराब हो गया है, जिससे ग्रामीणों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोग एक दूसरे के घरों में रहने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाए। ग्रामीणों ने घरों में पानी घुसने की जानकारी SDM सहित अन्य अधिकारियों को दिया, लेकिन देर शाम तक कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं सिलौली के बस स्टैंड, कछियाना मोहल्ला, इंदिरा आवास कॉलोनी, पटेल मोहल्ला और भारत नगर में पानी भर गया है। कई लोगों के घरों के भीतर तक पानी चला गया। ऐसा ही कुछ कछार गांव बड़ा इटौली, सुनारखेड़ा, घाना, बहोरी, सगवां भी पानी भर गया है। मेरा नाम चंद्रभान यादव है। मैं ग्राम पंचायत सगौना सरपंच पति हूँ। ग्रामवासियों के सूचना के मुताबिक ग्राम सगौना में वार्ड नंबर 5 में आज 23 तारीख की बारिश के कारण जो है वार्ड नंबर 5 में बने 2500 मकानों में जो है पानी जो है 2-3 फीट जो है उनके अंदर घुस गया, जिससे ये लोग बागों की जो खाद्य सामग्री है जो 4 महीने के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था करके रखे थे, गेहूँ, चावल, आटा, दाल, जो भी अन्य सामग्री है, सब इस गंगा जल में मग्न हो गया, डूब गया। मकान जो है गिरने की स्थिति में हैं। लोग जो हैं सड़कों पर आ गए, त्राही माम करते। जब हमारे पास सूचना पहुंची, हमने आकर के सभी के घर का मौखिक निरीक्षण किया गया। और मैं प्रशासन से यही मेरा निवेदन है या मेरी जो बात है शासन प्रशासन से कि ग्राम सगौना में वार्ड नंबर 5 में आकर के लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं उनका मौखिक औपचारिक निरीक्षण किया जाए, ताकि लोगों की जन समस्या जो है आज भूख से जो चिल्ला रहे हैं, बारिश के बहे हुए पानी से जो त्राही माम कर रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके।